ब्यावर किस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, पार्षद सुरेंद्र सोनी और पार्षद कुलदीप बहरा को निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं और सुरेंद्र सोनी और कुलदीप बहरा पार्षद को निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 57 के कुलदीप बहरा पार्षद है, वहीं वार्ड नंबर 19 के पार्षद सुरेंद्र सोनी है। दोनों रिश्वत प्रकरण को लेकर जांच चल रही थी और उसी के तहत ये फैसला लिया गया है और ऐसे में आज स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए दोनों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मिठाई विक्रेता से निर्माणाधीन मामले में नियमन को लेकर यह रिश्वत मांगी गई थी और ऐसे में जांच प्रभावित नहीं हो इसके चलते यह फैसला लिया गया है। मामला जून 2021 का है, जब 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप दोनों पर लगा था। तब से एसीबी द्वारा यह जांच की जा रही थी और उसी के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में आपको बता दें कि डीएलबी निदेशक और विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने यह आदेश जारी कर दोनों को निलंबन किया गया है। यहां पर आपको एक बार पुनः बता दें कि सुरेंद्र सोनी और कुलदीप बोहरा पर मिठाई विक्रेता से नियमन को लेकर रिश्वत मांगने का मामला चल रहा था और एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम ब्यावर में दिया था और इसी के तहत ये कार्रवाई आज की गई है और निलंबन के आदेश दोनों पार्षदों के खिलाफ यहां पर जारी कर दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर ब्यावर में, पार्षद सुरेंद्र सोनी वार्ड नंबर 19 के पार्षद और वार्ड नंबर 57 के पार्षद कुलदीप बोहरा को निलंबित कर दिया गया है। ब्यावर किस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, पार्षद सुरेंद्र सोनी और पार्षद कुलदीप बहरा को निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं और सुरेंद्र सोनी और कुलदीप बहरा पार्षद को निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 57 के कुलदीप बहरा पार्षद है, वहीं वार्ड नंबर 19 के पार्षद सुरेंद्र सोनी है। दोनों रिश्वत प्रकरण को लेकर जांच चल रही थी और उसी के तहत यह फैसला लिया गया है और ऐसे में आज स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए दोनों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मिठाई विक्रेता से निर्माणाधीन मामले में नियमन को लेकर यह रिश्वत मांगी गई थी और ऐसे में जांच प्रभावित नहीं हो इसके चलते यह फैसला लिया गया है। मामला जून 2021 का है, जब 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप दोनों पर लगा था। तब से एसीबी द्वारा यह जांच की जा रही थी और उसी के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में आपको बता दें कि डीएलबी निदेशक और विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने यह आदेश जारी कर दोनों को निलंबन किया गया है। यहां पर आपको एक बार पुनः बता दें कि सुरेंद्र सोनी और कुलदीप बोहरा पर मिठाई विक्रेता से नियमन को लेकर रिश्वत मांगने का मामला चल रहा था और एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम ब्यावर में दिया था और इसी के तहत यह कार्रवाई आज की गई है और निलंबन के आदेश दोनों पार्षदों के खिलाफ यहां पर जारी कर दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर ब्यावर में, पार्षद सुरेंद्र सोनी वार्ड नंबर 19 के पार्षद और वार्ड नंबर 57 के पार्षद कुलदीप बोहरा को निलंबित कर दिया गया है।